तेरे आज हम पढ़ रहे हैं एक टॉपिक है हमारा एयर रेस, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा वैसे आपको बता देता हूँ, फिर इसको पढ़ लेते हैं। देखिए एयर रेस क्या होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आपने टेबल बनाया था वो एरे की एग्जांपल है। एक्सेल में फिर बना बनाया जो ग्रिड स्प्रेडशीट आपने देखी थी जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं और हर रो को एक कॉलम को नाम असाइन था और नंबर असाइन था, वो एरे की इससे बेहतर एग्जांपल है। फिर उसके बाद आपने और तो कहीं पे बनाया नहीं। फिर आपने प्रोग्रामिंग में सीखा वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्पेस होता है जिसका नाम होता है और उसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। लेकिन एरे के साथ एक लिमिटेशन थी कि वो एक वक्त में एक ही वैल्यू को स्टोर कर पाता है। मतलब अगर हमने एप्पल के नाम से एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर 10 को स्टोर किया है, तो अगर 20 स्टोर करेंगे तो वो 10 को लॉस कर देगा और 20 को अपडेट कर लेगा। एरे वेरिएबल का एडवांस वर्जन है, ये एक वक्त में मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, जबकि वेरिएबल एक वक्त में वन वैल्यू को होल्ड कर सकता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एन एरे अलाउ यू टू स्टोर एंड वर्क विथ मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ द सेम डेटा टाइप। यहाँ पे एक है कि एक ही तरह की डेटा टाइप की वैल्यू को आप मल्टीपल स्टोर कर सकते हैं एरे में, ठीक है। एरे भी वेरिएबल की तरह डिक्लेयर होगा, उसकी भी वही सेम डेटा टाइप्स होंगी जो वेरिएबल की होती है, इंटीजर, डबल, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, शॉर्ट, इंट, चार और स्ट्रिंग। लेकिन ये अंडर सिंगल नेम, एक ही नाम में काफ़ी मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर लेगा, लेकिन उनकी लिमिटेशन ये कि डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, इंटीजर है तो इंटीजर हो, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर है, डेटा टाइप है तो डेटा टाइप है। कह रहा था वेरिएबल है वर्क, अब ये वही जो भी मैंने आपको समझाया वही एग्जांपल आपको देके समझा रहा है वेरिएबल की। तो कह रहा है कि भाई अगर जैसे आपने इंटीजर काउंट करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसके लिए एक वक्त में एक ही वैल्यू को स्टोर करने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी होगी। फ्लोट करके प्राइस को डिक्लेयर किया, चार करके लेटर को डिक्लेयर किया, तो वह एक वक्त में एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं इसके अंदर, तो कह रहा है एन एरे वर्क्स लाइक अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज, ठीक है, बिल्कुल वेरिएबल की तरह काम करता है लेकिन एक ग्रुप के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। अगर एक इंटीजर डिक्लेयर करना हो एरे तो कैसे करेंगे, पहले डेटा टाइप बताएंगे फिर एरे का नाम बताएंगे। एरे के नाम में वही रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे जो एरे के लिए वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में नंबर ऑफ मेंबर्स भी बताएंगे। तो ये कह रहा है द नेम ऑफ द एरे इज डेज, द नंबर इनसाइड द ब्रैकेट इज एरे साइज डिक्लेरेटर। इसको हम क्या कहते हैं, एरे साइज डिक्लेरेटर, ठीक है। और इट इंडिकेट द नंबर ऑफ एलिमेंट, और ये उसके एलिमेंट बना रहा होता है। तो मेमोरी में ये कैसे बनेंगे, ये एरे बन गया मेमोरी के अंदर, ठीक है। साइज डिक्लेरेटर में कितने एलिमेंट बनाए, ये उसका एलिमेंट बन गए, और इसका नाम है डेज। लेकिन इसको एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कैसे अलग करेंगे, ये डेज का एलिमेंट ज़ीरो है तो इसका नाम होगा डेज ज़ीरो, डेज वन, डेज टू, डेज थ्री, डेज फोर, डेज फाइव। हमेशा पहला एलिमेंट स्टार्ट विद ज़ीरो, ठीक है, पहले एलिमेंट का नाम ज़ीरो होगा लेकिन नाम सेम होगा डेज, और उसको कहेंगे ज़ीरो, ठीक है। अब इसको प्रोग्राम में कैसे एक्सेस करेंगे, ये कांस्टेंट डिक्लेयर किया है। अब एरे के लिए एक शर्त ये भी है कि एरे के जो एलिमेंट होंगे, कह रहा है एरे साइज डिक्लेयर मस्ट बी ए कॉन्टेंट कांस्टेंट इंटीजर एक्सप्रेशन। एरे का जो साइज डिक्लेरेटर होगा वो वेरिएबल नहीं हो सकता, वो कोई कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, एक नेम कांस्टेंट है, एक डायरेक्ट कांस्टेंट होता है, नंबर कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम रखा है नेम डेज। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर मैं 6 डायरेक्टली लिखता तो वो नंबर कांस्टेंट कहलाता और ये कहलाएगा कौन सा, नेम कांस्टेंट। तो नेम कांस्टेंट उठा के एरे को डिक्लेयर किया और साइज डिक्लेरेटर के अंदर नेम डेज लिख दिया। तो इस एरे के कितने एलिमेंट बनेंगे, 6 एलिमेंट बनेंगे। तो पहला एलिमेंट कौन सा होगा, 0, और आखिरी एलिमेंट कौन सा होगा, 5। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कौन से होंगे, 6। कहने में आएगा पहला एलिमेंट 0 होगा और छठा एलिमेंट 5 होगा। पहले एलिमेंट को डेज 0 के नाम से आइडेंटिफाई करेंगे और आखिरी एलिमेंट को डेज 5 के नाम से आइडेंटिफाई करेंगे। तब आगे चलते हैं, इस तरह आप डिफरेंट टाइप्स के एरेस डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उन जिस टाइप का एरे डिक्लेयर करेंगे उनकी डेटा टाइप तमाम एलिमेंट की सेम होगी। तो एरे में टेम्परेचर जिसमें 100, फिर स्ट्रिंग में नेम्स जिसमें 100, और लॉन्ग में यूनिट्स जिसमें 50 एलिमेंट्स, और इसमें 1200 एलिमेंट्स भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ में आ गया। मेमोरी रिक्वायरमेंट एरे के लिए कितनी होती है, इसके लिए वही वाला चार्ट एप्लीकेबल होगा। अगर एक इंटीजर वेरिएबल मेमोरी में 4 बाइट कंज्यूम करता है और एक इंटीजर एरे में 4 एलिमेंट हैं, तो 4 4 16, ये एरे 16 बाइट्स मेमोरी में
कंज्यूम करेगा। इसके लिए आपको यही समझाया गया, द अमाउंट ऑफ मेमोरी बाय द डिपेंड्स ऑन द एरेज डेटा टाइप एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बात समझ में नहीं आई या आ गई? अगर एक इंटीजर वेरिएबल मेमोरी में 4 byte कंज्यूम करता है और एरे में 6 elements हैं इंटीजर एरे में, तो 6 × 4 = 28, तो ये मेमोरी में 8 bytes को कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए। तो ये कह रहा है कि एरे डेफिनेशन में देख लें, अगर आप एक कैरेक्टर टाइप का एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, चूँकि कैरेक्टर टाइप के अंदर एलिमेंट्स कितने रखे हैं 5, ठीक है, तो एक कैरेक्टर वेरिएबल मेमोरी में कितने बाइट कंज्यूम करता है, तो ये 25 byte का एरे होगा। इस तरह एक शॉर्ट वेरिएबल मेमोरी में 100 elements का है, तो एक शॉर्ट वेरिएबल मेमोरी में कितने बाइट कंज्यूम करता है, तो इसके 200 byte मेमोरी में टोटल एरे कंज्यूम करेगा। इज दैट क्लियर? तो अब आगे चल रहे, एरे को एक्सेस कैसे करेंगे? एरे को एक्सेस ऐसे ही करेंगे जैसे एक बिल्डिंग के अंदर 6 flats हैं और 6 flats एक ही आदमी के, जिसका नाम है राशिद। तो अब आपको 5वीं मंजिल के फ्लैट को एक्सेस कैसे करना है, तो हम पहले वाले फ्लैट का नाम रख देते हैं राशिद 0 और दूसरे का कर देते हैं राशिद 2, राशिद 3, राशिद 4, और इस तरह से 5 flats एक्सेस हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ भेजनी है फ्लैट नंबर 5 में, तो कहेंगे ये राशिद 4 में दे आओ, और अगर पहले पे भेजनी है तो राशिद 0 में दे आओ। तो इस तरह से आप एरे को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नया वर्ड सुनने को मिलेगा आपको, सबस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट क्या होता है, कह रहा है इवन दो एन एंटायर एरे हैज़ ओनली वन नेम, एरे का एक ही नाम होता है, द एलिमेंट मे बी एक्सेस एंड यूज एज इंडिविजुअल वेरिएबल, लेकिन उनके एलिमेंट्स को अलग अलग वेरिएबल की तरह एक्सेस किया जा सकता है। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज द एलिमेंट इज़ असाइंड अ नंबर नोन एज द सबस्क्रिप्ट। जो एरे के मेंबर के नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, उनको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट। और जब एरे को डिफाइन करते हैं तो उधर कहते हैं साइज डिक्लेरेटर, और जब एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे उसको कहेंगे सबस्क्रिप्ट। तो आ जाए सबस्क्रिप्ट कैसे है, ये सबस्क्रिप्ट 0 है, ये सबस्क्रिप्ट 1 है, डे सबस्क्रिप्ट 0, डे सबस्क्रिप्ट 1, डे सबस्क्रिप्ट 2, डे सबस्क्रिप्ट 3, डे सबस्क्रिप्ट 4, डे सबस्क्रिप्ट 5, इस तरह से उनको एक्सेस करेंगे। सबस्क्रिप्ट नंबर इन C++ ऑलवेज स्टार्ट एट 0, C++ में ये 0 से स्टार्ट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। द सबस्क्रिप्ट ऑफ द लास्ट एलिमेंट इज इन और लेस देन, मतलब जो भी लास्ट एलिमेंट होगा, जो टोटल नंबर की तादाद होगी उससे एक -1 होगा, 8 है तो 7 होगा, 7 है तो 6 होगा, 6 है तो 5 होगा, तो ये बता रहा है। तो यहाँ पर चलते हैं, आगे चलते हैं। तो इसने ऑड्स 0, इसको कैसे पढ़ेंगे, ऑड्स सब 0 20, मतलब ऑड्स के 0 एलिमेंट में क्या वैल्यू असाइन की गई है, ये बात समझ में आ रही है? नहीं, एलिमेंट तो ऑड्स के कितने डिफाइन किए इसने, 5, तो पहले एलिमेंट को ऐसे इसने डिफाइन किया है, वैल्यू असाइन की है, तो इसको पढ़ेंगे ऐसे ऑड्स सब, यहाँ साइज डिक्लेरेटर नहीं है, यहाँ असाइन हो रही है वैल्यू, तो ऑड्स सब 20, ऑड्स के पहले एलिमेंट को 20 असाइन किया गया है। तो यहाँ पे कह रहा था एक्सप्रेशन ऑड्स 0 इज प्रोनाउंस ऑड्स सब 0, सब स्क्रिप्ट नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे सब बोलने में आएगा, प्रोनाउंस मतलब बोलेंगे इस तरह से। ओके, अब आगे चलते हैं। तो कह रहा है नॉट बिकॉज द वैल्यूज यू हैव नॉट बीन असाइन टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द एरे, अगर बाकी एलिमेंट के एरे के वैल्यूज असाइन नहीं की गई हैं, तो क्वेश्चन मार्क विल बी यूज टू इंडिकेट द कंटेंट ऑफ द एलिमेंट्स आर अननोन। इफ एन एरे इज डिफाइंड ग्लोबली, ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज्ड टू द 0 डिफॉल्ट, लोकल एरेज हाउएवर नो डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन वैल्यू। ये बात किसी को नहीं समझ में आ रही है तो पूछ ले भाई, आसान कह रहा है। अगर तुमने एरे को ग्लोबली डिफाइन किया, तो जिन एलिमेंट्स को तुमने वैल्यू दी उनकी तो वैल्यू हो जाएगी, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर एरे को लोकली डिफाइन किया, तो जिन एलिमेंट को वैल्यू दोगे तो वो तो उनकी वैल्यू होगी, लेकिन बाकी तमाम एलिमेंट को कोई वैल्यू नहीं होगी, इवन 0 भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो कह रहा उनकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होती है। लोकल और ग्लोबल समझ गए ना, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल, लोकल एरे ग्लोबल एरे, समझ गए इस तरीके से। तो यहाँ पर ये कह रहा है, तो ये कह रहा है कि जैसे इस वेरिएबल को हमने 3 elements यानी कि चौथे वाले एलिमेंट को 30 असाइन किया है, तो ये देखिए चौथे एलिमेंट में असाइन हो गया एलिमेंट 3 के ऊपर, बाकी क्वेश्चन मार्क यानी कि कोई वैल्यू इनमें नहीं स्टे करी क्योंकि लोकल एरे है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द एरे साइज डिक्लेरेटर एंड सबस्क्रिप्ट, समझ में आ गया? साइज डिक्लेरेटर जब एरे को डिफाइन करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो नंबर लिखा जाएगा कांस्टेंट नंबर या नेम कांस्टेंट, वो साइज डिक्लेरेटर है, और सबस्क्रिप्ट जब उसके एलिमेंट को एक्सेस कर रहे होंगे, उनमें वैल्यू असाइन कर रहे होंगे या वैल्यू को रीड करवा रहे होंगे, तो वहाँ पे उसको सबस्क्रिप्ट या
सब एरे कहेंगे। इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग ऑफ एरे कॉन्टेंट्स, कैसे एरे के अंदर इनपुट लेंगे एलिमेंट्स के अंदर और कैसे उसका आउटपुट लेंगे। तो यहाँ पर चल लेते हैं, एक प्रोग्राम इसने मैं बनाया, अभी आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, एक प्रोग्राम है जो स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो भी था। यहाँ एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया गया जिसके अंदर नेम एम्प्लॉइज़ नाम रखा गया, उसके वैल्यू रखी गई है 6। एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, एरे डिक्लेयर किया गया ऑर्स के नाम का, और यहाँ पे उसको नेम कांस्टेंट को डिफाइन कर दिया। तो मेमोरी में 6 एलिमेंट्स क्रिएट होंगे जिसमें पहला एलिमेंट 0 होगा और आखिरी एलिमेंट 5 होगा। यहाँ पर कह रहा है गेट आर्स वर्क बाई ईच एम्प्लॉइज़, कमेंट से सी आउट करा, इंटर वर्क्स बाई द गेट एम्प्लॉइज़। तो यहाँ पर एक वैल्यू लिखी है, यहाँ पर नेम अंडरस्कोर एम्प्लॉइज़ लिखा है और यहाँ पर एम्प्लॉइज़ कांस्टेंट लिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये इस तरह से लिखा जाएगा और ये यहाँ पर नेम एम्प्लॉइज़ लिखा जाएगा, तो ये नेम एम्प्लॉइज़ की जो वैल्यू है 6 यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी और एम्प्लॉइज़ एज इट इज़ लिखा हुआ आ जाएगा। ये इसने कांस्टेंट दिखाया है यहाँ पे। करीना नहीं समझ में आ रही बात? आसान तो है करीना, देखो ये क्या डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे कांस्टेंट का आउटपुट ले लिया इसने और क्या किया, तो यहाँ 6 आएगा, बाकी तो स्ट्रिंग मैसेज है ना ये ऐसा लिखा। अब नीचे इसने इनपुट लिया है सी इन ऑर्ड्स 0, मतलब पहले एलिमेंट में ऐसे इनपुट लिया, तो यूज़र इसमें जो वैल्यू डालेगा इसमें जाएगी, दूसरी इसमें, तीसरी इसमें, चौथी इसमें, पाँचवीं इसमें, छठी इसमें जाएगी। तो इस तरह 6 के 6 एलिमेंट में कोई भी यूज़र इनपुट डालेगा तो उसका आउटपुट कैसे लेंगे। तो यहाँ पे इसने एक मैसेज दिखाया, फिर सी आउट करके आर्स 0 पहले एलिमेंट की वैल्यू, दूसरे के एलिमेंट की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, छठी की, 6 के 6 एलिमेंट की वैल्यू का आउटपुट आ जाएगा। सपोज टू बी यूज़र ने एंटर किया था 20, 12, 40, 30, 30, 15, तो आउटपुट में भी इसी तरह से वो आ जाएगा, क्योंकि जो इनपुट में इन्होंने लिखा है वही आउटपुट में लिखा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब आगे चल रहे हैं, दूसरा प्रोग्राम समझ लेते हैं। इसी प्रोग्राम आउटपुट सेम ही तो आ रहा है, सेम, हाँ, जो आप एलिमेंट में डेटा डालेंगे तो आउटपुट में वही दिखाएगा ना या अलग दिखाएगा? मतलब अगर आपने यहाँ सपोज करें इसके 0 एलिमेंट में 10 लिखा तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? तो वही तो दिखा रहा है कि इसने 20 12 40 30 15 लिख के एंटर किया तो 20 12 40 30 इसी तरतीब में इसने दिखा दिया। सही, चलें अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने एक दूसरा प्रोग्राम आ गया, कह रहा है दिस प्रोग्राम आस्क फॉर द नंबर ऑफ द आर्स वर्ड बाय 6 एम्प्लॉइज, इट स्टोर्स द वैल्यूज इन एरे। अब यहाँ पर देखिए इसने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है नम एम्प्लॉइज़ का जिसकी वैल्यू कितनी रखी है, 6 रखी है। एक आर्स नाम का एरे डिक्लेयर किया है जिसमें इस हिस्से को क्या कहते हैं हम, साइज डिक्लेरेटर, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन हो रहा है ना एरे, एक्सेस करते हुए उसको सबस्क्रिप्ट कहेंगे। ठीक है, साइज डिक्लेरेटर में एरे का साइज़ कितना बताया गया है, 6 एलिमेंट बताया गया है। ठीक है, और इंटीजर काउंट नाम का एक वेरिएबल रखा गया है। यहाँ पर देखें एक लूप चलाया गया है फॉर का। अब यहाँ पे लूप का काम क्यों आ रहा है, देखें अगर ऊपर वाले प्रोग्राम में देखें तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, एक ही चीज़ क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो रिपीटेशन के प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं लूप। तो यहाँ पे फॉर का लूप डिफाइन किया गया, तो व्हाइल का क्यों नहीं किया, फोर का इसलिए किया कि हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पहले से पता है, नंबर ऑफ़ टाइम पहले से पता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए फोर का लूप चलाया जिसमें ये वाले वेरिएबल को एज अ हमने कंडीशन पे रखा है। तो काउंट 0, काउंट लेस देन नम एम्प्लॉइज़, नम एम्प्लॉइज़ क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, तो लूप 6 बार चलेगा और काउंट की वैल्यू हर दफ़ा बढ़ती जाएगी। तो इनपुट और आउटपुट में पहले इसने इनपुट लिया है, सी आउट करके एक मैसेज दिखाई देगा फर्स्ट टाइम में, लेस देन करके आगे ब्रैकेट में इसने काउंट प्लस 1 लिखा है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी काउंट की वैल्यू होगी उसमें प्लस 1 करके दिखाएगा लेकिन काउंट की वैल्यू को अपडेट नहीं करेगा। अपडेट कब करता, जब काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 लिख देते। नहीं समझ में आ रही बात? अच्छा समझो, अभी समझ में आ जाएगी। देखो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा काउंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अगर सी आउट करके यहाँ सिर्फ काउंट लिखता तो क्या दिखाता, और उसके आगे प्लस 1 लिख दिया तो अब क्या दिखाएगा, 1 दिखाएगा ना, लेकिन काउंट की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी ना, डिस्प्ले 1 होगा। तो फिर आगे जाएगा और इनपुट लेगा सी इन करके, तो आगे लिख रहा है एरे का नाम और आगे क्या लिख रहा है, ये साइज डिक्लेरेटर है, सबस्क्रिप्ट है,
एक्सीलेंट, ये सबस्क्रिप्ट है। इनपुट और आउटपुट का मतलब है एक्सेसिंग एरे, और डिक्लेरेशन का मतलब है सिर्फ डिफाइनिंग ऑफ एरे। तो याद रखें, साइज डिक्लेरेटर में कांस्टेंट यूज होगा, चाहे नंबर कांस्टेंट हो चाहे, वेरी गुड, नंबर कांस्टेंट हो, लेकिन सब स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल का इस्तेमाल किया जा सकता है एरे को एक्सेस करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो ए काउंट की वैल्यू चूंकि ज़ीरो होगी तो एरे के ज़ीरो एलिमेंट में इनपुट जाएगा। सेकेंड टाइम में जब लूप चलेगा काउंट की वैल्यू वन हो जाएगी तो सेकेंड के अंदर इनपुट जाएगा, थर्ड में इनपुट जाएगा, फोर में इनपुट जाएगा, और फाइव पे फाइनल इनपुट जाके ये प्रोग्राम हमारा रुक जाएगा। और इस तरह फोर के लूप के ज़रिए छः दफ़ा हम इसके अंदर इनपुट ले लेंगे, छः के छः एलिमेंट के अंदर। पर यूज़र को फर्स्ट टाइम में वन दिखाई देगा, सेकेंड टाइम में टू दिखाई देगा, थर्ड फोर फाइव और लास्ट टाइम में सिक्स दिखाई देगा। ये डेटा वन टू में दिखाई देगा, इनपुट ज़ीरो से लेगा। इनपुट करते हुए कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए तो प्रॉपरली ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव तक जाना पड़ेगा ना। तो ये काउंट वाला वैल्यू अपनी अपडेट करता जाएगा, वैल्यू ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव, जैसी फाइव पे पहुंचेगा तो ये लूप रुक जाएगा। क्वेश्चन कर लें अगर जहन में नहीं आ रहा, अभी हो जाएगा प्रैक्टिकल। देखो अगर तुम ऐसे समझ गए ना तो प्रैक्टिकल तो तुम्हारे लिए मीनिंग ही नहीं रखेगा, अभी प्रैक्टिकल कर लेंगे इसका। और आउटपुट में क्या किया, सी फॉर के लूप को दोबारा चला दिया उसने, और अब सी इन की जगह पे सी आउट की कंडीशन को रख दिया, सही है। अब प्रैक्टिकल कर लो इसका। चले भाई एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर लेते हैं, कॉन्स्ट ईएमपी के नाम से, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या पास कर रहा हूँ, सिक्स। एक एरे डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर ईएमपी नेम के नाम से, ईएमपी सेल के नाम से, ठीक है। उसकी इसके अंदर इसको डाल देते हैं, यहाँ पे ये साइज डिक्लेयरेटर है इसलिए कॉन्स्टेंट लिखा जाएगा, चाहे नंबर कॉन्स्टेंट या चाहे नेम कॉन्स्टेंट। अब आ जाए नीचे, अब आप क्या कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर इनपुट तो लूम है लेकिन मैं लूँ एरे के ज़रिए, तो पहले मैं नॉर्मल इनपुट ले रहा और आउटपुट करना बता देता हूँ, फिर उसी को कन्वर्ट कर दूँगा उसके अंदर। तो मुझे ये इनपुट ऐसे लेना होगा, कैसे लेना होगा, सी एन, छः इनपुट लेने होंगे। तो सी एन किया और यहाँ पे लिखा मैंने ई एम पी सेल, और उसके आगे मैंने पहले लिखना है ज़ीरो, तो पहला इनपुट इसमें लेगा। अब इसी स्टेटमेंट को छः बार रिपीट करूँगा मैं, तो कैसे करूँगा छः बार रिपीट, तो ये ज़ीरो हो गया और ये हो गया वन। यार ये बड़ा मसला है इसके अंदर, वन टू थ्री फोर और ये हो गया फाइव, छः बार इनपुट ले लिया। तो देखिए प्रोग्राम छः बार इनपुट ले रहा है, तो इसको जाके हम सेव कर रहे हैं अपने ब्लॉसम वाले में, और यहाँ पे इसका नाम रख रहे हैं और यहाँ से रन कर दिया हमने इसको। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई आपने जो इनपुट लिया है उसमें कुछ एरर है, क्या कह रहा है, ई एम पी सेल, कंट्रोल एच करके रिप्लेस कर लेते हैं इसको, और रिप्लेस कमांड भी नहीं चल रही इसकी। ओके, ई एम पी आखिरी वाला ख़राब हो गया, ई एम पी एस ए एल, वो एक और रह गया,
चलो तो देखो हमने इसके अंदर सैलरी डालना शुरू करी। ठीक है, अब इसका आउटपुट कैसे बनाएंगे? आउटपुट भी ऐसे ही बनाएंगे। सब तब यूजर जो वैल्यू डालेगा वही आउटपुट में आ जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको फॉर लूप के साथ कैसे करेंगे? तो इसको फॉर लूप के साथ करने के लिए मैं इसी कोड को यहाँ पे कर देता हूँ डिसेबल। ठीक है, अब फॉर लूप के साथ कर लेते हैं। फॉर का एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, हम काउंट के नाम से ले लेते हैं। ठीक है, उसको इनिशियल हम सेट कर देते हैं। वैसे भी इनिशियल उधर सेट हो ही जाएगा। फॉर का लूप बना लिया, काउंट की वैल्यू को क्या कर लिया, इनिशियल पे ज़ीरो कर दिया और काउंट को लेस देन कर दिया कितने पे, 6 पर, तो 5 टाइम चलेगा। काउंट को प्लस कर दिया हमने यहाँ से इस तरीके से, ये हमने दो ब्रैकेट्स बना दिए। इसके बाद हमने क्या किया, इनपुट लेना है तो हमने यहाँ पे सी इन करके इनपुट ले लिया। किसके अंदर? ईएमपी सेल के अंदर सबस्क्रिप्ट में काउंट को डाल दिया। ठीक है, तो ये इनपुट ले लेगा 6 बार, ये स्टेटमेंट 6 बार चल जाएगी। सेम स्टेटमेंट का आउटपुट लेना है तो यहाँ से कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पे आ गए सी आउट एंड लाइन करके ये मैसेज दिखा दिया और यहाँ पे इसको आउटपुट कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, सी आउट कर दिया और लेस देन कर दिया। क्लियर हो गई। अब क्या होगा, अब वही काम जो 12 दफ़ा कोड लिखने पे हो रहा था वो ठीक है, न्यू लाइन नहीं लगाया इसलिए वो एक साथ दिखा दिया उसने यहाँ पे। ठीक है, ये इसका आउटपुट हो गया। तो इस तरह से आप इसका बना सकते हैं। अब वो रह गई प्लस वन वाली बात क्या थी, तो अगर इसके साथ एक मैसेज भी दिखाना चाहें, ठीक है, अब अगर मैं आगे काउंट की वैल्यू को दिखाता हूँ इस तरह से, तो अब यहाँ पे देखिए EMP सेल 0 234 234, इसको थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं यहाँ पे। तो इससे पता चल रहा है ये 0 में जा रहा है, ये 1 में जा रहा है, ये 2 में जा रहा है, 3 में जा रहा है, 4 में जा रहा है, ये 5 में जा रहा है। लेकिन ह्यूमन तो ऐसे नहीं समझेगा ना, ह्यूमन देखेगा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो ह्यूमन को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख के प्लस 1 कर देंगे। इससे काउंट की वैल्यू अपडेट नहीं होगी पर दिखाई वो 1 2 3 देगी और रहेगी वो 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से ये कह रहा है, समझ में आ गया? अरे